नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में हैं। इन दिनों वो अपनी पत्नी से तलाक के मामले में सुर्खियों में हैं। आगे हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में क्या है ये पूरा प्रक्रिया। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में है। बता दें कि इस बार पवन सिंह मीडिया की खबरों में रहने का कारण गाना नहीं है, बल्कि इस बार उनका व्यक्तिगत मामला है। वैसे आपको बता दें कि अगर मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर मामले जो है उनके व्यक्तिगत मामले ही रहे हैं। बता दें कि इस बार वे अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के मामले में मीडिया की सुर्खियों में है। बता दें कि पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने वाले हैं, यानी कि उन्होंने अर्जी जो है वो दाखिल की है। इसको लेकर आ रहा कोर्ट में याचिका दायर की जाने की बात जो है वो कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गुरुवार को जो है इसकी सुनवाई होनी थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 26 मई को होगी। इस पूरे मामले को लेकर गुरुवार को आरा कोर्ट में पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक को लेकर सुनवाई होनी थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों पवन सिंह अक्षरा सिंह को लेकर सुर्खियों में थे। अब एक बार फिर से अपनी दूसरी पत्नी को लेकर वो सुर्खियों में हैं। बता दें कि पवन सिंह की दूसरी शादी साल 2018 में हुई थी। आपको यह भी बता दें कि पवन सिंह की पहली पत्नी के मौत के 6 महीने के बाद ही पवन सिंह ने दूसरी शादी की थी, लेकिन अब इस शादी पर भी ग्रहण लग गया है। फिलहाल यह पूरा मामला आरा फैमिली कोर्ट में पहुंच गया है। जब इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी तो इस समय पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह तो वहाँ पहुँची थी, लेकिन उस दौरान पवन सिंह वहाँ नहीं पहुँचे थे। लेकिन जब मीडिया के लोगों ने ज्योति सिंह से पूछा गया कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, तो उन्होंने तो साफ साफ यही कहा कि आप हमसे क्या पूछते हैं, पवन सिंह से पूछ लीजिए। बता दें कि ज्योति सिंह पिछले 1 साल से पवन सिंह के साथ नहीं रह रही है। अभी तक इस पूरे प्रकरण में पवन सिंह के एंगल सामने नहीं आया है। उन्होंने जो है मीडिया से इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई भी बात नहीं कही है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो कई तरह के आरोप जो है ज्योति सिंह की तरफ से जो है पवन सिंह पे लगाए गए हैं। पवन सिंह अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर ज़्यादातर समय मीडिया की सुर्खियों में रहे। सबसे पहले तो शादी के मात्र 6 महीने के बाद ही उनकी पत्नी नीलम ने मुंबई में आत्महत्या कर ली थी। उस दौरान की अगर हम मीडिया रिपोर्ट को देखेंगे तो यह पता चलेगा कि पवन सिंह अपने काम के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहते थे, घर में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, जिसके कारण इस तरह की घटना सामने आई है। पहले पत्नी की मौत के 3 साल के बाद पवन सिंह ने दूसरी शादी की ज्योति सिंह से। ज्योति सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली है। आपको बता दें कि ज्योति की पहले कोर्ट में शादी हुई थी, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। और इसकी यानी कि पवन सिंह की जो दूसरी शादी हुई थी उस समय की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर उन दिनों खूब वायरल हुई थी। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें यह बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में भी रिश्ते में खटास उत्पन्न हो गई है और यह पूरा मामला जो है आरा फैमिली कोर्ट में पहुँच चुका है। उनको बता दें कि पवन सिंह के अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हमने पहले भी कहा कि उनकी पहली पत्नी नीलम को लेकर जो है मीडिया की सुर्खियों में रहे। उसके बाद वो अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर जो है वो मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। अगर हम गाने की बात कर लें तो उनके एक से एक गाने टॉप रहे हैं और वो एक तरह से कह लें कि यूट्यूब पर जो है वो खूब चले हैं, लोगों ने खूब जो है उन्हें पसंद किया है। लेकिन दूसरा मामला ये भी है कि पवन सिंह जो है भोजपुरी के ही अपने सह गायक जो है उनको लेकर भी मीडिया के सुर्खियों में रहे हैं। दोनों तरफ से बयानबाजियां सामने आती रही है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो व्यक्तिगत मामला है और ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पवन सिंह की परेशानियां बढ़ सकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।